वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखो बच्चों, एवरेज के दूसरे लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया था, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बात करेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर आपने पढ़ा उसी के पॉइंट्स, उसी के कॉन्सेप्ट यूज करूँगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और ये जो सामने लिखा हुआ आपके, ये मुख्य परीक्षा SSC मेंस Part2 में आया हुआ क्वेश्चन है, पर वही बेसिक। देखो आप कहोगे जी एक लेक्चर के बाद बेसिक के बाद एकदम से आप इतने बड़े पे आ गए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि वो प्री में आएगा कि मेंस में आएगा कि रेलवे में आएगा कि वो ना बने हमसे। ये मैंने जानबूझ के इसलिए दूसरे ही क्लास में लिख दिया है ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपकी जेब में रहेंगी, वो आपकी कमांड में रहेंगी, तो हम बड़े लेवल के प्रश्न को भी ईजीली डिस्कस करेंगे। देखिए क्या प्रश्न है। सिक्स फ्रेंड्स वेंट टू ए होटल फॉर डिनर, ईच वन आउट ऑफ फाइव पेज रुपीज 32 ईच फॉर देयर मील एंड सिक्स पेज रुपीज 80 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टोटल बिल। छह दोस्त खाना खाने एक होटल में गए, उनमें से पांच में से प्रत्येक ने अपने खाने के लिए 32 रुपये चुकाए तथा छठे दोस्त ने सभी की औसत से 80 रुपये अधिक चुकाया, तो बताइए बिल की कुल राशि क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं पहली क्लास का एक पॉइंट यूज करूँगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज का मतलब तो सबका बराबर हिस्सा, ठीक है। इन पांचों ने कितना दिया, इन पांचों ने 32-32 दिया। अगर ये अपने हिस्से की सारी एवरेज दे देते तो छठे को ये फालतू पैसा नहीं देना पड़ता। इससे पता लगा कि इन पांचों ने अपने हिस्से का वो पैसा नहीं चुकाया जो बाय रूल उनको देना चाहिए था। 32 दे के आए लेकिन कुछ कम ही छोड़ के आए, तभी तो 80 रुपये उस छठे व्यक्ति को देने पड़े। देखो लाइन क्या कह रही है, सभी की औसत मतलब जो ओरिजिनल एवरेज होनी चाहिए थी, छठा दोस्त वो अपने हिस्से का चुकाता है और ये 80 भी चुकाता है। ये उसका हिस्सा ना था, ये उनका था। देखो मैं कहता हूँ ये 80 इसका नहीं, उन पांचों में बंटवा दो, तो प्लस 80 डिवाइडेड बाई 5 ये से काटेगा 16 पे, जोड़ोगे तो कितना बन गया 48। ये आगे उनकी एक्चुअल एवरेज, और इसको अगर मैं 6 से गुना कर दूँ क्योंकि टोटल 6 दोस्त हैं, 6 8 48, तो 4 रहा 24 और 4 28 मेरा आंसर आ गया। देखो ये मेंस परीक्षा में आया है और इस तरीके से कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो, ये चीज़ें जानते हो, ये डेफिनेशन जानते हो, बहुत बड़े फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ 2 पॉइंट भर का था। 32 में कुछ जुड़ेगा या घटेगा ये कैसे पता लगा, 32 में जुड़ेगा 80/5 क्योंकि उन पांचों का था, आंसर आ गया राइट। लेकिन मैं इसको एक बारी टोटल एक्सप्लेनेशन पे लेके आता हूँ, कैसे इसको फुल्ली आपको करना चाहिए वो मैं बात करता हूँ, लेकिन वापस लेके इसी पे आऊँगा। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 दोस्त हैं, मैंने माना इन सब की एवरेज, लेट एवरेज ऑफ ऑल 6 इज एक्स। तो ये जो पहले 1 2 3 4 5, ये जो पांच व्यक्ति है ये तो 32-32 रुपए देते हैं, प्रत्येक 32 देते हैं, तो इनके द्वारा टोटल दिया गया पैसा 32 गुना में 5 होगा, सही है जी। छठा व्यक्ति क्या चुकाता है, वो कहता जी सभी की औसत से 80, सभी की औसत तो x है, यानी कि x प्लस में 80 चुका देता है। पांचों ने ये दिया, छठे ने ये दिया, जोड़ दिया, तो ये बन गया टोटल बिल। और बताओ टोटल बिल, तो इस नियम के अनुसार एक एवरेज अगर x है और वहाँ पे व्यक्ति 6 है तो टोटल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 6x। नाउ सॉल्व फॉर x, x से क्या आएगा, एवरेज आएगा, हम क्या निकाल देंगे 6x निकाल देंगे, ये सवाल बन गया। 32 गुना में 5 कितना बन जाएगा, देखो 5 गुना 10 रहा 1, 15 1 16, प्लस में x प्लस में 80 बराबर है 6x, इसको यहाँ भेज दो। 160 और 80 क्या बन गया, 240, ये उधर गया तो 6x में से x गया, तो बताओ क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि 5x बराबर 240, तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू आएगी 240 बटा में 5, फाइनली कैंसिल करके देखो आया तो 48 ही ना राइट। अपने को 48 नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए यहाँ से 6x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी आ गई 48, यानी 6 गुना में 48, तो वही 288 हमारा आंसर आ गया राइट।
आना चाहिए बच्चों। देखो कॉन्सेप्ट मैं मना नहीं करता, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब मुझे ये दिखा कि कैसे करके मैं ये निकाल सकता हूँ। ये डेफिनेशन से निकलेगा, इससे जो समय लगेगा उससे बेटर क्या होगा देखना। 32 सभी देते हैं, पांचों देते हैं, इनफैक्ट छठे व्यक्ति को पैसा ज़्यादा देना पड़ गया ना, इसका मतलब ये उसका हिस्सा नहीं था, उन पांचों का हिस्सा था। उन पांचों में बटवा दो, एवरेज का मतलब बराबर ही होता है, उन पांचों में बटवा दिया तो 80/5। इसको सोल्व करने से जो भी आएगा वो ओरिजिनल एवरेज होगी सबकी, उसको नंबर ऑफ मेंबर से गुना कर दो। तो देखो सीधे सीधे 48 गुना में गुना है ये, 288 मेरा आंसर होगा। और अब मैं आपको बेसिक सिखाने के बाद यही सजेस्ट करूँगा कि इससे आपको ऑपरेट करना है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को यूँ आप चेक कर सकते हैं, राइट। एक और इसी पे एग्जांपल ले रहा हूँ, एक डिजिट बदल रहा हूँ, मैं डिजिट लिखूँगा तब तक मुझे लगता है आप लोग डिस्कस कर ही देंगे। सभी ने 40 रुपये चुकाया, छठे दोस्त ने 50 रुपये ज़्यादा, छः दोस्त खाना खाने गए, पांच में से प्रत्येक ने 40 रुपये चुकाया, छठे ने सभी के औसत से 50 अधिक, तो कुल राशि बताई। सिमिलरली यहाँ पे 32 की जगह आएगा 40 और 80 की जगह आ जाएगा 50 या और भी कोई डिजिट हो। देखो अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ। देखो मैं क्या यहाँ पे समझ के आया, पीछे जो एग्जाम्पल मैंने लिया उसमें 40 तो इन पाँचों ने दिया ही दिया है, ठीक है जी। अगर ये अपने हिस्से का देते या नहीं देते, अब सारी चीज़ें आपको पता लग गई, मैं डायरेक्ट काम करूँगा 40 प्लस 50 बटा में 5 और गुना में 6, ये काटेगा 10 पे 40 से 10 50, 50 गुना में 6 बराबर है 300 मेरा आंसर होएगा। इसी स्टाइल से आपको इन जैसे लेवल के प्रश्न को डिस्कस करना है, आप अंडरस्टैंड ओके। चलो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस काम को। तो देखो बच्चों आओ एक नए प्रश्न के साथ चलते हैं, बेसिक वही, सिस्टम वही, कॉन्सेप्ट वही, लैंग्वेज नहीं। ए मेंबर ऑफ वेट 65 केजी फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 मेंबर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मेंबर एंड एवरेज वेट ऑफ ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 150 ग्राम्स, कैलकुलेट वेट ऑफ न्यू पर्सन। 10 व्यक्तियों के समूह से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किलोग्राम है की जगह के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया, आने से समूह का औसत भार 150 ग्राम 150 ग्राम से बढ़ गया, तो बताइए नए व्यक्ति का भार क्या है। देखो जो बेसिक जो पॉइंट आपने नोट कर लिया, देखो बच्चों ये 10 मेंबर का एक ग्रुप है, एक मेंबर बाहर गया एक मेंबर अंदर आ गया, तो मेंबर वापस 10 के 10। बाहर जाने वाले का भार सिर्फ 65 किलो है, मैंने माना कि अंदर आने वाले का भी भार अगर 65 किलो होता तो एवरेज हिलती नहीं, इसके अंदर आने से एवरेज बढ़ गई, इसका मतलब ये 65 का नहीं 65 से ज़्यादा का है। अब जैसे ही अंदर आया तो ग्रुप का भार 150 ग्राम से बढ़ गया, इसका मतलब 10 के 10 मेंबर 150 ग्राम 150 ग्राम 150 ग्राम से इंक्रीज हो गए। हालांकि उनका अपना वेट नहीं है, ये वेट है किनका, जो नया आया है बंदा उसका वेट है, लेकिन वो जो उनकी औसत से फालतू वेट था वो सब 10 बंदों में बट गया, तो सबके हिस्से 150-150 ग्राम आ गया। यही तो डेफिनेशन ऑफ एवरेज है, इक्वल शेयर ऑफ ईच एंड एवरीवन, सबका बराबर हिस्सा, रिमेंबर इट। 65 बाहर गया 65 अंदर आता तो कोई चेंज नहीं होता, चेंज हुआ बढ़ने का तो प्लस, घटने का तो माइनस, घट भी सकता है कल को तो माइनस करेंगे। बढ़ गया कितना बढ़ गया जी, 150 ग्राम बढ़ गया जी, 4 ग्राम के जी 4 किलो, लेकिन ये एक बंदे का नहीं सब बंदे का, सब ग्रुप का, ग्रुप माने 10, तो देखो आंसर आ गया 65 प्लस में 1500 ग्राम, 65 तो है किलो और 1500 है ग्राम, इसके आप जानते हो किलो बनाएंगे तो क्या होएगा, एक किलो में एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ डिवाइड करके उसको इससे 1500 से तो क्या बोल दूंगा, 65 प्लस में 1.5 यानी कि क्या बन जाएगा 66.5 किलो उस नए व्यक्ति का भार होएगा, ये हमें देखना है। तो देखो बच्चों इसमें ना हम एक्स वेक्स सिस्टम में नहीं घुसेंगे, ये आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों अगली वीडियो में मैं थोड़े से बड़े लेवल के इसी आधार पे थोड़े से बड़े लेवल पे जाऊंगा,
तब तक बच्चों इन वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो डाउट्स या जो सजेशंस है कमेंट में ज़रूर डालें ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर पाऊँ या आपकी जो डिमांड ओरिजिनली है वो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। ओके, नमस्कार।